चलेगा अभी गए हम देखे हैं अभी पांच करोगी देखे चलेगा देखे सासाराम के राजद विधायक राजेश गुप्ता सोमवार को अलग ही रूप में दिखे। सोमवार को राजेश गुप्ता खुद मरीज बनकर सरकारी अस्पताल इलाज कराने पहुंच गए। वह सामान्य मरीजों की तरह लाइन में लगे पर्ची कटवाया और पर्ची लेकर डॉक्टर के पास अपनी समस्या सुनाने पहुंच गए। इस दौरान कई तरह की व्यवस्था में खामियां भी उन्हें दिखी, जिसका उन्होंने मीडिया के सामने भी जिक्र किया। कई चैम्बर में डॉक्टर नहीं मिले तो विधायक के आने की धमक सुनते ही कई चिकित्सक भागे भागे अपने चैम्बर में पहुंचे। विधायक ने बताया कि ओपीडी में समय पर चिकित्सक नहीं आते हैं, जिसकी शिकायत अक्सर हमें मिलती रहती है। खासकर महिला तथा बच्चों की डॉक्टरों की यहाँ कमी है, बावजूद जो भी डॉक्टर हैं वो समय से नहीं आते हैं, जिसके कारण परेशानी बढ़ी रहती है। बाद में उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर सिविल सर्जन से मिलकर इसकी शिकायत की। विधायक ने बताया कि इस तरह की अनियमितता व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। सदर अस्पताल की व्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कमियां तो बहुत सारी है, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ डॉक्टर समय पर नहीं आते। हम यहाँ करीब 8:30 बजे आ गए, यहाँ का टाइमिंग हम देखें 8 या 8:30 का है, लेकिन 9 बजे तक डॉक्टर नहीं आए थे। एक शिशु रोग में गए तो 10 बजे तक नहीं मिले, कोई कोई डॉक्टर आए बाद में, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर अपने चैम्बर्स में नहीं मिले। डॉक्टर के आवास को लेकर के यहाँ 52 बेड का जो बिल्डिंग बना हुआ है उसको लेकर क्या करेंगे? क्या 52 बेड का? बाद में उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर सिविल सर्जन के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इस तरह की कुव्यवस्था अस्पताल में नहीं रहे तो बेहतर है। चलेगा अभी गए हम देखे हैं अभी पांच करोगी देखे चलेगा। Thank you.